असलम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के लिए हमारी गिड चाइसी ये थी कि वी सिलेक्ट द एक्टिविटी डेट हैज दिनिश टाइम सो हम एक ऐसी एक्टिविटी सेलेक्ट करते थे जिसका फिनिश टाइम स्मॉलेस्ट था और उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी वो सेलेक्ट की जाती थी जो पिछली सेलेक्ट की हुई तमाम एक्टिविटीज़ के साथ कंपैटिबल थी कंपैटिबिलिटी से मेरा यह है कि किसी भी एक्टिविटी के साथ उसका ओवरलैप नहीं था सो वी रिपीट डेट प्रोसेस और एट द एंड वी सिलेक्ट द सेट ऑफ एक्टिविटीज डेट कैन बी स्केजल्ड इन डेट कॉमन सोर्स। इस वीडियो के अंदर हमें यह प्रूव करना है कि क्या हमारी ये गिडी चॉइस हमें ऑप्टिमल सोलशन देती है ये नहीं। अगर हमें देती है तो हमारा करेक्ट है। सो so, ये वाली अप्रोच ये क्यों वर्क करती है इसकी वजह यह है कि जब भी हम कोई चॉइस सेलेक्ट करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग में और गिर चॉइस में फर्क है ग्रीडी प्रोग्रामिंग में सबसे पहले चॉइस करते हैं उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं देन चॉइस करते हैं सो ग्रीडी प्रोग्रामिंग में जब भी हम चॉइस करते हैं किसी भी चीज की किसी भी स्टेप पे कोई भी हम कोई स्टेप लेते हैं कोई चॉइस करते हैं तो वी डोंट रूल आउट एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन सो so, हमें ए वन एक्टिविटी अगर सिलेक्ट की है तो हमने इतनी स्पेस छोड़ी है कि उसके बाद जो भी एक्टिविटी सिलेक्ट की जाएगी डेट आर द मैक्सिमम एक्टिविटीज डेट कैन बी स्केजल्ड इन डेट कॉमन रिसोर्स सो ए वन एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद हमारी चॉइस ए फाइव होगी लेकिन ए फाइव के सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा ऑप्टिमल सलूशन मौजूद है जो हमारे करंट सोल्यूशन को एक्सटेंड करेगा हमारा करंट सोल्यूशन क्या है कि हमने ए वन और ए फाइव को एज अ एक्टिविटी सेलेक्ट किया है जो स्केजल की जा सकती है उसके बाद भी एक ऐसा ऑप्टिमल सलूशन मौजूद है जो हमारे मौजूदा सलूशन को एक्सटेंड करेगा एट एंड ऑफ एलग्रदम हमारे पास एक सोल्यूशन आएगा जो ऑप्टिमल होना चाहिए इसका मतलब यह है ए आई आपने चूज की एज एक्टिविटी उसके बाद जो बाकी सब प्रॉब्लम आपके पास बचती है यहां से लेके यहां तक उसमें आपके पास एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जो हमारे सोल्यूशन को एक्सटेंड करके ऑप्टिमल सोलूशन बन जाता है सो दुशन इज ए जे ए थ्री एंड ए सेवन सो लेट से वी मेक अ चॉइस ए के चॉइस विल पिक द एक्टिविटी डेट एज फिनिश टाइम विच विल बी द ए के

सो so, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्केजुअल टी है जो टी स्टेरिक तो नहीं है जिसमें ए जे हम सोच रहे थे कि ए जे ए थ्री ए सेवन होना चाहिए था लेकिन जो हमारा स्केजुअल टी जो हमने ग्रीटी चाइज से लिया उसमें ए के ए थ्री ए सेवन आया तो so, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्केजुअल टी है वो भी सॉल्यूशन है सिंस द ए है द स्मॉलेस्ट एंडिंग टाइम इट एंड्स बिफोर द ए जे तो इसका किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आता सो so, हम कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन टी इज स्टिल ऑप्टिमल सो आवर एल्गोरिथम इज करेक्ट बिकॉज़ वी हैव प्रूव्ड दैट वी हैव टेकन द चॉइस दैट लीड्स टू द ऑप्टिमल सॉल्यूशन सो जब भी आपने हैं एल्गोरिथम की करेक्टनेस को प्रूफ करना हो हमें इंडक्टिव हाइपोथेसिस लेना पड़ता है जिसमें बेस केस होता है एंड इंडक्टिव स्टेप होता है और कंक्लूजन होता है बेस केस में हम तब बताते हैं कि जब अभी जस्ट एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ जब वहां पे जीरो एक्टिविटीज हैं तब भी उस जीरो एक्टिविटीज जो उसमें मौजूद थी उसके बाद भी हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन पिक करने की चॉइस मौजूद है इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है कि भाई यह पिक चॉइस We picked an activity, और उसके बाद उस एक्टिविटी से हमारा मौजूद हम है that is और में, हम लास्ट एक्टिविटी सेलेक्ट करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा ऑप्टीमल सोल्यूशन है वो करंट सोल्यूशन को एक्सटेंड करते हुए हमें फाइनल सोलूशन देता है तो हमारा करंट सोलूशन जो है वो ऑप्टीमल सोल्यूशन बन जाता है तो so, जो इंडक्टिव स्टेप है अभी हमने लास्ट स्लाइड में किया कि हमने एक्टिविटी को पिक किया उसके बाद हमने देखा कि हम ए जे और ए के में से कोई भी एक्टिविटी पिक करते हैं तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन के ट्रैक पे हैं कंक्लूजन में जब हम लास्ट एक्टिविटी ऐड करेंगे तो तब भी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है वो आपस में कंपेटिबल होंगी और आपस में कंफ्लिक्ट नहीं करेंगी और एक्टिविटीज मैक्सिमम होंगी सो so, हमारे तीन क्वेश्चन है कि ये हमारा एलगोदम को एक्ट है या नहीं है तो उसका हमने आंसर दे दिया कि यस दिस इज को एक्ट बाकी जो दो क्वेश्चन है कि ग्रीडी चॉइस या ग्रीडी एल्गोदम कहां पे यूज करने चाहिए और क्या ये नेचुरल चॉइस है या नहीं है इसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे थैंक यू